सौ ट्राइबल पीपल में इंडिया में कौन कौन से एरिया में कौन कौन से ट्राइब्स हैं? ठीक है, अभी तक हमने नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न ये दोनों एरियाज के ट्राइब्स के बारे में देखा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से ट्राइब्स थे? नागास, अहोम्स और दूसरे ट्राइब। ठीक है, मैप के ऊपर आपने इन सभी को लोकेट किया है, देखा मैप पे कि कहाँ कहाँ पे ये है, ये कौन सा पार्ट है, कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट, यस ईस्टर्न। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न भी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ भी है और ईस्टर्न भी है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ट्राइब्स मोस्टली हमने कर लिए। मुल्तान और सिंध में कौन सा ट्राइब था डोमिनेट, कौन सा ट्राइब डोमिनेट कर रहा था, लांगास एंड अर्गुन्स। ठीक है, और इसी तरह वेस्टर्न हिमालयाज में कौन सा ट्राइब था, वेस्टर्न हिमालयाज में गद्दीज ट्राइब। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा ट्राइब था, अहोम्स नागास। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट डे जो बिहार और झारखंड के एरियाज हैं, तो वहां पे कौन सा ट्राइब था उस टाइम पर फेमस, चेरो। ठीक है, चेरो ट्राइब बिहार और प्रेजेंट डे झारखंड का एरिया। ठीक है, वहां उस रीजन पे इनका डोमिनेंट था, उस टाइम पे डोमिनेंट थे 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो, और उस टाइम पर जो इनके चीफ थे उन पर अकबर ने अटैक किया। अकबर के ही आगे, तो अकबर डिफरेंट अपने मनसबदार को आगे भेजता था अटैक करने के लिए, है ना, उसने मिलिट्री हम कह सकते हैं कि अपॉइंट किए होते थे मिलिट्री ऑफिसर्स जो आगे उसकी अटैक करते थे अगले अगले एरियाज पे। तो अकबर का जो फेमस जनरल था राजा मान सिंह, उसने इनके ऊपर अटैक किया और इनको डिफीट किया, हरा दिया। कब हराया, 1591 में। ठीक है, अकबर के ही एक एम्परर ने एक चीफ को मनसबदार भी बनाया था। किस ट्राइब के चीफ को बनाया था, घक्खर ट्राइब के। ठीक है, किस ट्राइब के चीफ को बनाया था, घक्खर ट्राइब के चीफ, चीफ का नाम क्या था, कमल खान। ठीक है, तो इट मींस जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी अपनी अलग थी, और ये जो ट्राइबल पीपल थे, जो नॉन कास्ट पीपल थे, ये अपना अलग रिचुअल्स वगैरह इनकी सब कुछ डिफरेंट था, ट्रेडिशंस वगैरह। आपस में दोनों बिल्कुल अलग अलग सोसाइटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का आपस में क्लैश हो रहा है। क्लैश कैसे हो रहा पता चल गया कि कभी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और कभी अकबर ने जैसे उनको मनसबदार भी बनाया है ना, तो इन बिटवीन दोनों सोसाइटीज का आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक ये भी रीजन था। अब अकबर ने, अकबर के किस जनरल ने इस ट्राइब को हराया, जनरल का नाम क्या था, राजा मान सिंह, और किस ईयर में हराया, 1591 में अकबर के जनरल ने इस ट्राइब को हरा दिया। ठीक है, और उनसे बहुत सारा, जैसे इन ट्राइबल लोगों के पास अगर कुछ फॉरेस्ट का प्रोड्यूस था या यहाँ पे माइनिंग एरिया भी है, ठीक है, तो जो भी उनके पास उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, बूटी मीन्स जो भी खजाना उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, वो भी उनसे लूट लिया। ठीक है, और लेकिन ये पूरी तरह से ट्राइब उनके अंडर नहीं आया, अकबर के अंडर पूरी तरह से नहीं आया, कुछ थोड़ा सा, चाहे वो इनको काफी, इनको डिफीट भी कर दिया, हरा भी दिया, इनसे काफी कुछ वो लूट के भी ले गए, लेकिन फिर भी ये ट्राइब जो था पूरी तरह से अकबर के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया, ठीक है, पहले अकबर के टाइम पीरियड में इनपे, इनके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया, तो औरंगजेब की मुगल फोर्सेस ने भी इस चारों ट्राइब के ऊपर, जो चारों ने अपने उस टाइम पर थोड़े किले वगैरह भी बना लिए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर अटैक किया और फिर इसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, इसी तरह दो और ट्राइब के नाम हैं जो उड़ीसा और बंगाल के रीजन में रह रहे थे, वो थे मुंडास एंड सांतल्स। ठीक है, तो ये ट्राइब कौन से रीजन में रह रहे थे, मुंडास एंड सांतल्स,
उड़ीसा एंड बंगाल के रीजन में। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटका की बात करें तो वहां पर भी जो ट्राइब्स ग्रुप्स अलग अलग, देखो कितने सारे ट्राइब हैं और अलग अलग एरियाज में कैसे फैले हुए। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कौन कौन थे? कोलीज एंड बेराड्स, ठीक है। तो ये ट्राइब वहां पे रह रहे हैं। कोलीज कई गुजरात के एरियाज में भी रह रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका और कई गुजरात वाली एरियाज में भी रह रहे थे। और इसी के साथ दूसरे कोरागास, वेटास, मारवार्स, ये सारे अलग अलग ट्राइब के लोग यहाँ पे अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं। और उसी के बाद अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पर भी कौन सा ट्राइब ज्यादातर देखो है? भील ट्राइब, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, लिखा हुआ है सेंटर में भील, है ना। तो इट मीन इस पूरे एरिया में कौन सा ट्राइब यहाँ पर था, स्प्रेड था सारे तरफ, इस लोग ये ट्राइब के लोग रह रहे थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग ट्राइब अलग अलग जगह पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं। और कई धीरे धीरे, अब इनमें से हमने बात की थी कुछ क्या थे, हर्डर्स थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना, कुछ एग्रीकल्चर भी करते थे, कुछ नोमैड्स थे। अब इनमें से कई लोग धीरे धीरे क्या बन गए, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। सेटल्ड मतलब कि पहले वो अलग अलग जगह पे थे और धीरे धीरे उन्होंने जब एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी तो बहुत सारे लोग सेटल्ड हो गए एक जगह पे कि अब हम यहाँ से आगे कहीं मूव नहीं करेंगे, वो वहां पे सेटल्ड हो गए, ठीक है। दे बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। सेटल्ड होने के साथ क्यों सेटल्ड हो गए? क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब एग्रीकल्चर अपनी उन्होंने शुरू कर दिया तो खेतों को छोड़ के थोड़ा जाएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो सेटल हो गए और कई तो इतने ज्यादा हो गए कि वो जमींदार भी बन गए, मतलब धीरे धीरे वो और ज्यादा प्रॉस्परस होते चले गए, ठीक है। एंड मैनी भील क्लेम्स, कई लेकिन कुछ ऐसे भी थे ट्राइब जो हंटर गैदरर्स रहे, ठीक है, कई सेटल्ड हो गए, कई हंटिंग गैदरिंग करते रहे। और उसी तरह अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक और ट्राइब जो बहुत ज्यादा हमें कह सकते हैं कि नंबर में मिलते हैं, वो है गोंड्स ट्राइब, ठीक है। गोंड्स ट्राइब कौन कौन से एरियाज में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो गोंड्स ट्राइब को यहाँ पे मैप में, छत्तीसगढ़ का एरिया है, आंध्र प्रदेश के एरिया तक भी फैले हुए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सारे एरियाज में गोंड्स ट्राइब फैला हुआ था। GONDS, गोंड्स, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? KH, हाँ खोंड, वैसे तो GOND गोंड्स है, खोंड्स भी कई जगह पे लिखा होता है। सबकी बुक में क्या लिखा हुआ है? GOND, कितने स्टूडेंट्स की बुक में GONDS लिखा हुआ है और कितने स्टूडेंट्स की बुक में KHONDS लिखा हुआ है? दोनों ट्राइब्स, कईयों की बुक में दोनों लिखे और कईयों की बुक में सिर्फ एक लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गोंड्स और खोंड्स दोनों ट्राइब ही इन एरियाज में हमें मिलते हैं, ठीक है। यस, मैप में तो बहुत सारे एरियाज के नेम, ट्राइब्स के नेम हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब ये सारी हमने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले ली कि किस एरिया में कौन से ट्राइब उस टाइम पर रह रहे थे और धीरे धीरे कुछ ट्राइब क्या हो गए, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए और कुछ उनमें से जमींदार भी बन गए कि इतनी उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर डेवलप कर ली, इतने ज्यादा प्रॉस्परस हो गए कि कुछ तो जमींदार भी बन गए। जमींदार कौन होता है? जिसके पास बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है। फार्मर कौन है? जिसके पास अपनी थोड़ी सी लैंड है और खेती कर रहा है। जमींदार जिसके पास बहुत सारी लैंड है, ठीक है, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक विलेज उसके अंडर है, इतनी सारी लैंड उसके पास है ना। तो कुछ ऐसे ट्राइब थे जो क्या बन गए थे, कुछ लोग उनमें से जमींदार। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमैड्स
और जो कि हम कहते हैं कि इनको मोबाइल पीपल, मोबाइल मीन्स कि दे आर मूविंग, ठीक है। मोबाइल हम किसको कहते हैं, मोबाइल डिवाइस, कि जो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये भी नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल हाउ दे आर लिविंग। तो इसमें से नोमैड्स के लिए, अब नोमैड्स भी कई तरह के हैं, हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में कि नोमैड्स कौन है, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन उसमें भी आगे अलग अलग तरह के लोग हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग अपने एनिमल्स के साथ, कुछ लोग चीजें बेचने के लिए, ठीक है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए, तो अलग अलग पर्पसेस हैं उनके लिए। तो सबसे पहले नोमैड्स में नोमैडिक पैस्ट्रोलिस्ट, ठीक है, नोमैड्स में ही नोमैडिक पेस्टो, यस पेस्ट्रोलिस्ट, तो इसमें पेस्ट्रोलिस्ट। सो नोमैडिक पेस्ट, नोमैडिक कि दे आर कीप ऑन मूविंग, और पेस्ट्रोलिस्ट मींस कि उनके पास अपने एनिमल्स वगैरह हैं जिनको वो हर्ड करवा रहे हैं, रियर कर रहे हैं, उनको चरा रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस वो एक जगह पे नहीं है, वो अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जब ये मूव कर रहे हैं, एनिमल्स भी इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तो इनके पास क्या है, पहले तो इनके पास एनिमल्स हैं अपने, अगर इनके पास एनिमल्स हैं तो इनके पास एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी होंगे। अगर एनिमल्स हैं, अगर मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, तो इनके पास मिल्क भी होगा, या इनके पास मिल्क गिविंग प्रोडक्ट्स होंगे। अगर शीप्स हैं तो इनके पास वूल होगी, है ना, जिस भी तरह के एनिमल्स इन्होंने रियर किए हुए। तो एनिमल्स, उनके पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें इनके पास है, जो कि ये क्या कर रहे हैं, ये जहां पे मूव करते हैं वहां पे ये लोगों को चीजें बेचते हैं, ठीक है। नोमैड्स पेस्ट्रोलिस्ट, ठीक है। तो ये इनके पास क्या चीज है, दे आर लिविंग ऑन मिल्क एंड अदर पेस्ट्रोल प्रोडक्ट, पेस्टोरल प्रोडक्ट, कि जो भी उनके पास्चर्स हैं, जो उनके पास एनिमल्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके पास हैं, और वो एक्सचेंज करते हैं उन प्रोडक्ट्स का। अब इन मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे घी हो गया, है ना, वूल हो गया, तो ये घी, वूल एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज किसके साथ कर रहे हैं, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ठीक है, कौन, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनके साथ वो एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज में उनसे क्या लेते हैं, वो ग्रेन्स, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, वीट राइस कुछ भी वो उगा रहे हैं, कोई भी तरह का ग्रेन्स उगा रहे हैं, तो वो उनसे वो ग्रेन्स लेते हैं, और एक्सचेंज में उनको क्या दे देते हैं, घी वूल जो भी उनके पास है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों सोसाइटीज में आपस में इंटरेक्शन किस बेस पे हो रहा है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है ना, जैसे उनके ऊपर अटैक किया गया उनकी किंगडम, उनके एरियाज के ऊपर, और एक जगह उनको मनसबदार भी बनाया गया, ये भी आपस में उनका लिंक था। अब इस तरह ये जो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट हैं, ये और दूसरी सेटल्ड एग्रीकल्चर, इनमें आपस में कैसे लिंक बन रहा है, वो भी आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं चीजें, ठीक है। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, और वो चीजें सारी किसके ऊपर रख के लेके जाते हैं, अपने एनिमल्स के ऊपर। अगर ये सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करके एनिमल्स के ऊपर ही रख के लेके जाएंगे, दे आर ट्रांसपोर्टिंग ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर एनिमल्स। पेस्ट्रोलिस्ट मीन्स जो चरवाहे, एक चरवाहे वर्ड भी होता है, ठीक है, इनके लिए चरवाहा वर्ड होता है, जो अपने पशुओं को चराते हैं, ठीक है, कौन, अपने एनिमल्स। अब उनके पास कितने, 100-200 एनिमल्स हैं, है ना, हम कह सकते हैं कि 50-100 चलो एनिमल्स हैं, इतने एनिमल्स उनके पास हैं। अब उनका ग्रुप ऑफ पीपल है ना, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे, एनिमल्स तो अपना फूड लेंगे, उनका फूड फॉर्डर जो भी उनका है चारा,
है ना, तो जहां पे वो रह रहे हैं चाहे वो ग्रास वाला एरिया है, वहां पे अगर जंगल भी है तो वो हो सकता है इतने सारे एनिमल्स हैं तो वो खत्म हो गया वहां पे उनका फूड, अब उनको तो रोज ही चाहिए, सुबह शाम चाहिए, है ना, तो वो फिर मूव करेंगे किसी दूसरी जगह जहाँ पे घास को उगने में टाइम तो लगेगा, ये तो नहीं कि आज उन्होंने खा ली कल को फिर से उतनी सारी हो गई, नहीं होगी ना, उनको फिर मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह, ठीक है, तो इसलिए वो अपने एनिमल्स के साथ मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फूड, और उसके साथ ही साथ दूसरा क्या है वो एक्सचेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो चीज हो गई, दूसरी चीज कि अब वो चीजें भी एक्सचेंज कर रहे हैं जो उन्होंने इकट्ठी की हैं, और उसके बदले में क्या ले रहे हैं वो ग्रेन्स, अब ये चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे, उनको घी दे दिया उनसे ग्रेन्स ले लिया, जैसे बार्टर सिस्टम की चीजों का ही एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं आपस में एक्सचेंज, क्लियर, एक्सचेंज किस चीज का कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी है आपकी बैक एक्सरसाइज में कि हाउ नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर व्हाट दे एक्सचेंज विद ईच अदर, कि आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट, इसी में नोमैड्स में ही बंजारास भी हैं, ठीक है, ये हो गए नोमैडिक पेस्टोलिट्स, इसी में एक और नेक्स्ट बात आते करते हैं हम बंजारास की, हम बंजारास भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नोमैड्स हैं, ये कौन से नोमैड्स हैं, ट्रेडर नोमैड्स, नोमैड्स तो है ही लेकिन साथ में कौन से हैं, ट्रेडर नोमैड्स, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं ये, और उनके जैसे कारवा को क्या कहा जाता था, टांडा लिखा हुआ आपकी बुक में, उनके कारवा को टांडा कहा जाता था, और इसी तरह अगर सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, किस डायनेस्टी का नाम है ये रूलर का, दिल्ली, दिल्ली रूलर्स के मुगल एम्पायर वाले रूलर्स, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स, है ना, तो अलाउद्दीन खलजी ने भी इन बंजारास को यूज किया, किसके लिए यूज किया, ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट्स, इन बंजारास को उन्होंने यूज किया कि ये ग्रेन्स जो है ये आप सिटी की मार्केट तक लेके जाओ, ठीक है, और एम्परर जहांगीर, अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने भी अपनी जो उसने राइटिंग लिखी है उसमें लिखा है कि बंजारास जो उसके टाइम पीरियड में बंजारास थे वो अपने बुलों के ऊपर ग्रेन को लेकर अलग अलग एरियाज में जाते हैं और उनको बेचते हैं, ठीक है, तो ग्रेन्स को अब एक एरिया के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी फसल बहुत सारी हो गई है तो वो सारी फसल खुद तो यूज नहीं करेंगे, है ना, जितनी उनके काम आनी है वो अपनी रखेंगे, जितनी उनके विलेज के लोगों को काम आनी है वो उनको देंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएगी वो क्या करेंगे, ठीक है, वो खुद बेचने नहीं जा रहे, उन्होंने बंजारास को बेच दी और बंजारास ने आगे जाके दूसरे एरियाज में बेच दी उनकी जो फसल थी, क्रॉप्स थी, ठीक है, उसके लिए हमने क्या नाम यूज किया, ग्रेन्स, तो ग्रेन्स में व्हीट भी आ सकते हैं, राइस भी आ सकते हैं, किसी भी तरह का ग्रेन हो सकता है, ठीक है, इसमें बंजारास में एक हमने किसकी बात की, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, उसके टाइम पीरियड में भी ये बंजारास बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका हमें मेंशन मिलता है, दूसरा हमें जहांगीर, ठीक है, जहांगीर उसके वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में मेमोयर्स, ठीक है, कि मतलब उसने जो राइटिंग लिखी उसमें भी इसका बंजारास का जिक्र मिलता है, ठीक है, उसमें भी इनका नाम लिखा गया है, और जो ये बंजारास है वो कितना ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन, मुगल आर्मी, अब मुगल आर्मी अलग अलग एरियाज में फैली हुई थी, मुगल एक्सपेडिशंस चलती रहती थी अलग अलग जगह पे अटैक करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए वो अलग अलग एरियाज में अटैक करते थे, है ना, तो जो उनकी आर्मीज होती थी अलग अलग जगह पे उनके लिए भी ये बंजारास ही ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है, सो दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग देयर मिलिट्री कंपेन्स, उनके मिलिट्री कंपेन्स जितने भी होते थे उनमें ये बंजारास ही उनको ग्रेन जो थे सप्लाई करते थे, विद ए लार्ज आर्मी कुड बी, इसमें लिखा है कि वहां पर 1 लाख बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन, तो इतने मतलब बुलक्स उनके पास होते थे जो कि ग्रेन लेके जाते थे, ठीक है, उसके बाद इसी में नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स, अब ये अलग से हेडिंग बना हुआ है छोटा सा आपकी बुक में, नोमैड्स
एंड यहाँ पे नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप, ठीक है, तो इसको भी करना है आपने। नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप, तो ये भी नोमैड्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो नोमैड्स तो हमें पता है कि दे आर वॉन्डरिंग पीपल, दे आर मूविंग, ठीक है, एवरी टाइम दे आर कीप्ड ऑन मूविंग। और उसमें से कुछ लोग क्या हैं, पास्टोरलिस्ट हैं, ठीक है, कुछ लोग इसमें से पास्टोरलिस्ट हैं, जो कि एक जगह से वन पास्चर टू अनदर। पास्चर क्या है, पास्चर क्या है, जहां पे फूड, उनके पशुओं को फूड मिलता है, ठीक है, जहां पे चारा मिलता है, वो पास्चर एरिया हो गया। तो एक पास्चर से दूसरे पास्चर जा रहे हैं, वो गौशाला अगर हम कहें तो वो तो सिर्फ एक एरिया है ना छोटा सा, वहां पे तो चारा कहीं और से लेके आते हैं, वहां पे उनको डाल देते हैं, ठीक है। वहां पे क्या, वहां पे ग्रास नहीं उगी हुई, वहां पे नेचुरल नहीं है, पूरा का पूरा खेत नहीं है। अगर पूरा का पूरा खेत भी हो तो उसमें 10 काउस भी हैं, तो वो कितने दिन खाएंगी। पूरा आपके पास ग्राउंड है, इस पूरे ग्राउंड में घास लगी हुई है, और यहाँ पे आप 50 गाय भी छोड़ देते तो कितनी देर में खत्म कर देंगी सारी घास, फिर उसके बाद इतनी जल्दी उग जाएगी, नहीं टाइम लगेगा। तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो अपने एनिमल्स को कहाँ ले जाते हैं, किसी दूसरी जगह, हो सकता है फिर दोबारा इधर आ जाए, दे आर केप्ट ऑन मूविंग, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब पैस्टोरलिस्ट एक पास्चर से दूसरे पास्चर में जा रहे हैं, ठीक है, दे आर कीप्ड ऑन मूविंग फ्रॉम वन पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। फ्लॉक्स में जो भी उनका एनिमल्स का ग्रुप है, उनके साथ वो एक पास्चर से दूसरे पास्चर में जा रहे हैं। और इसी तरह जो इटिनरेंट ग्रुप्स हैं, इटिनरेंट ग्रुप्स कि ये और अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, वो अपने पास्चर्स के लिए जा रहे हैं, एनिमल्स के साथ जा रहे हैं, और ये लोग क्राफ्ट पर्सन हो गए, ठीक है, कुछ क्राफ्ट लेके जा रहे हैं, एंड पेडलर्स कुछ पैदल चल रहे हैं जिनके पास कोई और एनिमल्स भी नहीं है, और कुछ क्या है, एंटरटेनर्स, और वो एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस, इटिनरेंट मतलब अलग अलग ग्रुप्स, नोमैड्स कुछ पास्चर के लिए, कुछ ट्रेडिंग के लिए, जिनमें की बंजारा एक कम्युनिटी है, ठीक है, बंजारा भी एक तरह का हम कह सकते हैं इटिनरेंट ग्रुप है जो ट्रेडिंग कर रहा है। अब ये इटिनरेंट ग्रुप अलग अलग चीजों के लिए, जैसे क्राफ्ट भी हो सकते हैं, ये क्राफ्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ पैडलर्स हैं जो पैदल ही चीजों को लेके जा रहे हैं, या कुछ एंटरटेनिंग के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनिंग मीन्स उनको अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए। हाँ जी, आपको समझ आ रही है कि आप अपना ही डिस्कशन कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही एंटरटेनमेंट के लिए या लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। और अब इसी तरह कई बार ये भी है पॉसिबल कि ये सेम प्लेस हर साल एक ही जगह पे जा रहे हैं, कि इस मंथ में उन्होंने इस जगह पे जाने ही जाना है, फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने यहाँ पे जाने ही जाना है, फिर अगले मंथ उन्होंने यहाँ पे जाना ही जाना है। तो इट इज पॉसिबल कि दे ऑफन विजिट द सेम प्लेस एवरी ईयर, हर साल वो एक जगह पे एक पर्टिकुलर मंथ में जाते जाते। हाँ जी, जो पैदल चल रहे हैं, ठीक है, अब हमने बात की ना, कईयों के साथ एनिमल्स हैं, अब कईयों के पास एनिमल्स नहीं है, ठीक है, वो बिना एनिमल्स के अकेले भी चल रहे हैं, पैडलर्स भी हैं, और जो भी उनके पास सामान है या बुलोक कार्ट्स उन्होंने अपने रखे हुए हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो अलग अलग तरह के नोमैड ग्रुप्स हैं। ये चीज क्लियर होगी कि नोमैड्स एक ही तरह के नहीं है, अलग अलग तरह के नोमैड ग्रुप्स हैं। उसके बाद कई ऐसे पास्टोरल ट्राइब्स हैं जो कि दे रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। अब इसमें से कुछ ऐसे भी थे पास्टोरल ट्राइब जो एनिमल्स को बेचते थे, ठीक है, दे वर सेलिंग एनिमल्स ऑल्सो, पहले उनको पाल भी रहे हैं, बाद में उनको बेच भी रहे हैं, जैसे कि कैटल हो गया, हॉर्सेस हो गए, टू द प्रॉस्परस पीपल। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेजेस टू विलेज। अब कुछ ऐसे हमने पेडलर्स की बात की है ना,
तो इनके भी कई लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। कुछ हमने बात की कि हॉर्सेस एनिमल्स को बेच भी रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो सेलिंग एनिमल्स। और कुछ पेडलर्स हैं वो छोटी मोटी चीजें बेच रहे हैं, छोटी मोटी चीजें जैसे रोप्स हो गई, रीड्स हो गई, स्ट्रॉ मैटिंग हो गई, ठीक है, रस्सियां हो गई, मतलब उसके बाद जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ सैक्स हो गई, बोरियां होती जैसे, है ना, तो वो चीजें, स्ट्रॉ मैटिंग, कोर सैक, तो इस तरह की चीजें वो बना बना के बेच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद समटाइम मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट, ठीक है, और कुछ बार कुछ मेडिसिन वगैरह भी वो एक एरिया से दूसरी जगह जाके बेचते थे। और इसी तरह एंटरटेनर्स जो एंटरटेन करते थे, परफॉर्मेंस वगैरह देते थे, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस देते थे। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर। नोमैड्स, अब इसी तरह जब ये एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रही है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग सोसाइटी, और उस चेंजिंग सोसाइटी के साथ न्यू कास्ट बन के सामने आ रही है, न्यू हायरार्कीज बन के सामने आ रही है, ठीक है। ट्राइब्स, नोमैड्स क्लियर हो गए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट चलेंगे। एक हम गोंड्स और अहोम्स, ये दो ट्राइब हैं जिनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, इन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कि किस तरह से न्यू इकोनॉमी में चेंजेस आए।